बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2158 डॉलर फी औंस के करीब करीब ऊपर चल गई है और हमारा जो डोमेस्टिक गोल्ड है और हमारा इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और सिल्वर और कॉपर की प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और बाइंग के हवाले से कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बरवकत पहुँचती रहे। इंटरनेशनल मार्केट ने अपना ओपन लिया 2170 डॉलर फी औंस का, आज की तारीख में इसने ओपन लिया और मार्केट ऑनवर्ड जो है ना ऊपर की तरफ गई है और 2198 यानी 2198 डॉलर फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर हम सेलिंग करें या हम बाइंग करें, इस हवाले से जो है ना काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और व्लॉग की सूरत में आपको ये वीडियो पेश कर देता हूँ। वैसे हमारा जो ग्रुप सर्विस है उस ग्रुप सर्विस के अंदर हम हर तरह की जो भी गोल्ड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, मार्केट अप एंड डाउन की जो सजेशन होती हैं, सेलिंग की सजेशन होती हैं, वो भी हम आपको वहाँ पर देते रहते हैं। ग्रुप में अगर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और फीस उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी जो मुनासिब सी फीस है ठीक है वो आप पे करके हमारे ग्रुप सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ गई है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इस वक्त जो बायर है वो 62% बायर है और 38% इस वक्त सेलर है और इस वक्त मार्केट में सेलर जो है वो बढ़ गया है, 60% सेलर हो गया है और बायर इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हमेशा जब भी मार्केट अपने पीक लेवल्स के ऊपर जाती है तो मार्केट में आपने बाइंग नहीं करनी। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है, अपना एक हाई लगाती है, आपने बाइंग के अंदर नहीं फंसना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाइंग ना करें, बाइंग करें, आप अपनी सोच समझ के मुताबिक करें, लेकिन जो एनालिसिस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि हमेशा मार्केट जब ऊपर चली जाती है तो आप इसमें बाइंग में फंसने के एक आपके 100% चांसेस होते हैं। ये जो इस वक्त जो चल रहा है हमारा गोल्ड का रेट जो है 2,27,150 रुपये हो गया है और हमारा जो पठूर का रेट है उसके अंदर भी इजाफा हो गया, सुबह के निस्बत 1,000 रुपये का इजाफा जो है ना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरी सजेशन यही है कि आपके पास अगर 100% गोल्ड है तो गोल्ड को कुछ ना कुछ सेल करें, 30% सेल करें, 25% सेल करें, 40% सेल करें, 50% भी सेल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो 50% तक जो है ना वो सजेस्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर गोल्ड को सेल कर देना चाहिए। ओवरऑल अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग 2,30,000 से भी ऊपर की है, उन लोगों के लिए यही सजेशन है कि वो वेट करें, इंशाल्लाह उनको निकलने का एक अच्छा मौका मिलेगा ठीक है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी उनको। और इस वक्त इंटरबैंक ने भी अपनी क्लोजिंग दी है, 12 पैसे की क्लोजिंग दी है, 278.08 जो है ना 8 पैसे की जो है ना इसने क्लोजिंग दी है। ओपन मार्केट में डॉलर का 280.90 पैसे हो गया है और पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 2,36,600 रुपये, ये भी इजाफे के साथ जो है ना सुबह की नस्बत 1,000 रुपये इसमें भी इजाफा हुआ है। और स्टॉक मार्केट इस वक्त 67,733 पॉइंट जो कि प्लस हुआ है 208 पॉइंट और इस वक्त पीस का जो रेट है वो 2,27,150 रुपये है और रवे का पठूर का रेट 2,24,500। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। और मुझसे ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझसे रब्ता करके आप 22 कैरेट की ज्वेलरी भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आपके सामने आईडी मौजूद है, इस आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।